हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ऑयल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका यूज करके आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बाल टूटते हैं या बाल रफ है, इन सभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर हार्मोन नहीं सिक्रेट हो पाता है जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, और उसके अलावा भी जैसे कि बॉडी में हो सकता कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी डाइट नहीं अच्छी होगी, या प्रॉपर योग एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारा हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है। अगर हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो इससे भी जो है बालों का टूटना स्टार्ट हो जाता है, बालों में रफनेस आ जाती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो बालों में होने। दूसरा मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट का यूज करना अपने बालों के लिए। अगर आप जो है जाते हैं पार्लर में और बालों में अलग अलग प्रकार की टेक्निक का यूज करते हैं, अलग अलग चीजें अप्लाई करते हैं, ये सारे केमिकल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं जो आपके बालों कितना ज्यादा सॉफ्ट बना देते हैं, इतना ज्यादा स्मूथ बना देते हैं कि आपके बाल ऑटोमेटिक ही कुछ दिनों के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए बालों में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे बिना समझे पहले सोचिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब भी बालों को स्ट्रेट किया जाता है तो एक प्रकार का क्या हीट ही तो निकलती है। अब वो हीट आपके बालों में अप्लाई की जा रही है, आप खुद दिमाग लगाइए, जब वो हीट आपके बालों में अप्लाई की जा रही है तो आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और वो जो मतलब रूट होती है, जो जड़ होती है, उनसे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे, जिसकी वजह से वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए बालों को कभी स्ट्रेट नहीं कराना चाहिए, या तो नहीं तो कर्ल कराना चाहिए, मतलब कोई भी चीज अपने बालों में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जैसी नेचुरली है वैसे ही आप बालों को रखिए, आप उसमें नेचुरल चीजों का यूज करिए। क्योंकि कोई भी चीज हो, चाहे वो फेस में कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, उसमें भी नेचुरल चीजों का यूज करिए। ये केमिकल यूज करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है हमारे बालों को। इसीलिए किसी भी प्रकार का, और जैसे शैम्पू आप करते हैं तो शैम्पू भी सोच समझ के यूज करिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का शैम्पू यूज करिए, इस पर ट्रस्ट हो आपको, और एक ही शैम्पू हमेशा यूज करिए, नहीं कि आप बार बार शैम्पू को भी चेंज करिए। और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में या 10 दिन पे अपने बालों को वॉश करिए, हर दिन वॉश भी नहीं करना चाहिए। हर दिन आप शैम्पू से भी वॉश करेंगे तो इससे भी आपके बाल जल्दी टूटते हैं और जल्दी खराब भी होते हैं। और ऑयल भी, जो भी आप ऑयल यूज करिए वो भी सोच समझ के यूज करिए, और बालों को ऑयलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा ऑयलिंग करना है तो अपने जड़ों से करना है, ताकि आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाए। आज इस वीडियो में हम एक ऑयल आपके साथ और डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई ऑयल यूज करते तो उसके अलावा ये ऑयल यूज करना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है आपके बाल मजबूत भी हों, टूटना भी कम हो जाए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपके बालों को मिलेंगे। आपको रोजमरी ऑयल लेके आना है, वो भी प्योर होना चाहिए, और कोकोनट ऑयल लाना, वो भी प्योर होना चाहिए, नहीं तो आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन में है। तो दोनों ऑयल को प्रॉपर मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा वो, दोनों मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद स्मूथली अपने बालों के जड़ों में अप्लाई करिए, कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल टूटना कम हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे, और भी बहुत सारे और अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आज से इस ऑयल का यूज करिए, प्रॉपर डाइट मेंटेन करके चलिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल अपने बालों में अप्लाई नहीं करना। तो इससे क्या होगा, आप बालों को टूटने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और डाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट, डाइट में आपके मेनली विटामिन ई इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, टूटने को कम करता है, बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनिंग बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, नेचुरल चीजें, जिनको हम अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है इसी से रिलेटेड, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन, आप अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूजन कमेंट सेशन में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो फिर मिलेंगे सर के और भी अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।